मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार यहां के नौपाड़ा इलाके में एक 7 मंजिला अमर टावर नामक इमारत में स्लैब गिर गया है, जिसमें करीब 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर ठाणे महानगर पालिका और पुलिस की बचाव दल भी मौके पर पहुंची हुई है। जानकारी के अनुसार ठाणे के नौपाड़ा इलाके में इस इमारत का स्लैब अचानक धराशायी हो गया और तेज धमाके के साथ स्लैब नीचे गिरा, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इमारत 25 साल पुरानी बताई जा रही है, जो काफ़ी जर्जर होने की वजह से इमारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है और आज यानी कि 15 मई को इमारत का स्लैब अचानक गिर गया। फिलहाल इस हादसे में 5 लोगों को चोट लगी है, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह मेरा नाम आकाश शर्मा है और ये अमर टावर बिल्डिंग है। यहाँ पे मैं यहाँ जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से आवाज़ आई ज़ोर से 11:30 के आसपास कि कुछ तो गिरा, मतलब ऐसा जो जैसे कोई बहुत सारा कबड़ गिरा एक साथ। तो हम वहाँ पे जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का स्लैब मतलब फ्लोरिंग गिर चुका था फर्स्ट फ्लोर पे, और अंदर 4 लोग फंसे हुए थे। तो हमने ना फायर ब्रिगेड का और ना पुलिस वाला किसी का वेट ना करते हुए वो डोर तोड़ के मेन चैनल गेट लोखंड का तोड़ते हुए एक जन को विंडो से अंदर भेजा, उन्होंने जाके अंदर से हेल्प किया, फिर वो डोर तोड़ के अंदर से 4 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 2 उनके बच्चे थे लड़के जिनको जख्मी हुए हैं, वो भी पराड़कर हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड 2 लेडीज़ हैं वहाँ पर जो डरी हुई है पर वो फिलहाल अभी बेटर है। ये टोटल 5 लोगों का नाम आया है। 5 वो जो उनकी छोटी बच्ची है वो ट्यूशन गई हुई थी। एक बहादुरी का काम किया है आपने। प्रशासन या फायर ब्रिगेड के जवान आने से पहले आपने खुद मेहनत करके खुद लोगों की जान बचाई है, तो क्या इस पे लोगों की क्या राय थी कि अभी रुका जाए? सर वहाँ पे तो ऐसे मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि फायर ब्रिगेड को आने दीजिए, पर वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस समय बहुत कॉपरेट कर रहे थे कि किसी का वेट ना करते हो, क्योंकि किसी की जान बच सकती है, घर टूटा वापस बन सकता है, पर एक बार जान गई तो वो नहीं बच सकता। तो हमने वो ना उनका वेट करते हुए तोड़ के बाहर निकाला। तो मैं आपसे एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो ये वीडियो देख रहा है अगर कोई जैसे कि जिनका घर टूटा है वो अगर उनको कुछ हेल्प कर सके वहाँ पे, कहीं उनको कोई बता सके कि यहाँ पे वो रह सकते हैं जब तक उनका घर ना बन जाए, वो एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा।